मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर सिंपल सी एक बात कही गई है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो वो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती है। इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वेर अ करंट कैरिंग वन कंडक्टर कैरीज सम करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते थे बाय ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं बाय बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। बी वेक्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पर ज़्यादातर बुक्स यूज करती हैं क्या टर्म? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर, और या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही बात है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक ही बात है, सिंबल इसका बी वेक्टर है। ये सब, और इसके जो यूनिट्स हैं बी वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के, वो टेस्ला होते हैं और सीजीएस में गॉस होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन पहली बार कैसे पता लगा? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड, ओरेस्टेड ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर रखी, उसके आसपास मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। जैसे ही करंट गया, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको पता लग गया कि जब करंट पास करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन।